हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस के सहजी यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिसमें यदि एक्स और वाई दोनों को किसी तीसरी राशि के फंक्शन के रूप में व्यक्त करते हैं, और तो इस तीसरी राशि को पैरामीटर तथा इन समीकरणों को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम x बराबर एफ टी लिखें और y बराबर एक फंक्शन जी टी लें, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यदि x बराबर 80 स्क्वायर हो और y बराबर 280 हो, तो इसका dy वाई बाई डी एक्स हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। x बराबर 80 स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx अपान dt इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 8 dt स्क्वायर अपान dt। dt स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2t, 2 माइनस 1 दैट इज 2t दैट इज इक्वल टू 280। और y इज इक्वल टू 280, इसे हम dy वाई बाई डी टी निकालेंगे। dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू होगा 2a dt बाई डी टी दैट इज 1 2a। इस प्रकार dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा dy वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी दैट इज 2a अपान 280। 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो दूसरे एग्जाम्पल को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए टी वन प्लस साइन टी और वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। डी वाई डी एक्स बाई डी टी पहले ज्ञात करेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ऐसे एक थर्ड एग्जांपल है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें भी हम डी एक्स बाई टी डी टी पहले निकालेंगे और उसके बाद डी वाई बाई डी टी हम ज्ञात करेंगे, और इसका डी वाई बाई डी एक्स और होगा डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, आंसर आएगा -10t। इसे आप अपनी नोटबुक में करें। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक्स बराबर साइन इनवर्स 2t अपान 1+t², वाई बराबर टेन इनवर्स 2t अपान 1+-t² देन डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो x को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, t की जहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे, जिससे आपको साइन इनवर्स साइन 2θ प्राप्त होगा दैट इज़ 2θ दैट इज़ वो 2 tan इनवर्स t। और tan इनवर्स t का हम आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले दे चुके हैं, वो हो जाएगा 2 × 1/1+t². इसी तरह से y बराबर tan इनवर्स 2t/1-t² को आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स t, और इसका डी वाई बाई डी डी टी निकालेंगे, फिर tan इनवर्स t का फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ 2/1+t². इस प्रकार डी वाई बाई बाई डी एक्स डी वाई अपान डी टी डी एक्स अपान डी टी से आपका आंसर 1 प्राप्त होगा। इन सभी सॉल्व एग्जांपल्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करें, इनका अभ्यास करें। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।